आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। बड़े फजाइल हैं। दूसरा, अपने आप को हराम ख्वाहिश से कैसे बचाओगे? बाजार में निकलोगे, हर तरह की चीजें नजर आएंगी, तो बीवी के पास आओगे तो क्या बोलोगे? भाई ये यार वो जो है ना, नहीं दिल फिर माइल नहीं होगा, गुनाहों में पड़ जाओगे। ऐसा हुआ है, बहुत से लोग करते हैं ऐसे। तो शुक्र है मशवरा ले लिया था। तो हलाल चीज जो है ना, बाज दफा किसी काम का दिल भी चाहता है और अल्लाह कह भी रहे थे कर लो। अब क्या है कि आपको, मैं देखो, मैं दो टोक बातें करने का आदी हूं, अगर आप नाराज ना हो। आपको ऑफिस में कोई लड़की पसंद आ रही है, उससे आंख मटक के मत करो, उससे शादी कर लो। बाज लोग ये कहते हैं कि वो तो लड़कियां पसंद आती हैं तो ये तो हराम ख्वाहिश पैदा होती है, तो हराम ख्वाहिश पूरी करने के लिए शादियां रचाई जा रही हैं। तो भाई जब उससे निकाह कर लिया तो वो हराम नहीं रही ना। देखो, अगर तुम्हें कोई पसंद आएगी ऑफिस में, अगर तुम शादी नहीं करोगे तो वो क्या करोगे फिर उससे? तुम दोस्तियां करोगे। अगर तुम नहीं करोगे तो कोई और कर देगा, क्योंकि तुम्हें पसंद आ रही है, इसका मतलब अट्रैक्शन है उसमें, तो कोई और गुनाह करेगा। तो तुम अगर उससे शादी कर लोगे तो तुम्हारी हलाल ख्वाहिश भी पूरी, तुम भी गुनाह से बच गए, उस लड़की को भी गुनाह से बचा लिया और किसी और शख्स को भी गुनाह से बचा लिया कि अगर तुम निकाह ना करते तो वो दोस्तियों में पड़ जाता। तो फायदे ही फायदे हैं कि नहीं है? अब इतनी कॉमन सेंस की बातें हैं लेकिन पब्लिक की समझ में नहीं आती। तो वो एक हमारे दोस्त हैं यूके में, वो उनकी कोई कुलीग थी, तो वो मेरे पास फोन आते थे, यार ये मसला है, यार ये। मैंने कहा भाई शादी कर ले यार। कहने फिलिपिनी है, मैं कहाँ से शादी करूंगा उससे। मैंने कहा मुसलमान करने में कितना टाइम लगता है? तो मुसलमान की शादी हो गई, 3-4 साल हो गए। देखो, गुनाह से उसको भी बचा लिया, खुद भी बच गए, तो इसमें क्या जा रहा है? नहीं करोगे तो वो भी गुनाह में मुबतला होगी, किसी दूसरे मुसलमान को भी खराब करेगी। तो बाज़ चीज़ें ऐसी हैं कि हमारा दिल औलाद से मोहब्बत का दिल चाहता है कि नहीं चाहता, तो शरीयत ने रोका है हमें इससे। बीवी से मोहब्बत का दिल चाहता है कि नहीं चाहता, तो शरीयत ने रोका है और इबादत करार दे दिया। माँ बाप से मोहब्बत इबादत। पैसे कमाने का दिल चाहता है कि नहीं चाहता, तो अल्लाह ने कहा कमाओ भाई, नहीं कमाओगे तो क्या होगा? भीख मांगोगे, लोगों के सामने हाथ फैलाओगे। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट।